दोस्तों हम सभी WhatsApp यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि आप WhatsApp पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई भेज सकते हैं। यानी अगर आप कहीं बिजी हैं, आपका फोन आपसे अलग रखा है, आप रिप्लाई नहीं दे सकते किसी को, या फिर आप तुरंत किसी को रिप्लाई देना चाहते हो, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को टैप कर दिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी WhatsApp पर जो मैसेजेस आते हैं उस पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे सकते हैं। यानी अगर आपने अपना फ़ोन कहीं पर रख दिया है या फिर आप बिजी हो, आप WhatsApp के मैसेजेस पर जवाब नहीं दे सकते, आप बाइक चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर आप कहीं गए हुए हो, या फिर आप अपने WhatsApp मैसेजेस पर इंस्टेंटली रिप्लाई देना चाहते हो, एक पर्टिकुलर रिप्लाई देना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूँ ये ट्रिक आप ही के लिए है और आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहले आपको WhatsApp रिप्लाई नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही एप्लीकेशन है जिससे ऑटोमेटिक WhatsApp पर रिप्लाई देना पॉसिबल हो सकता है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या URL से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले पर बस सर्च करिए WhatsApp रिप्लाई। तो उसको जब आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ आइकन होगा और ओपन करने पे देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा सा यूज़र इंटरफेस है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं नेक्स्ट और फिर कर देते हैं इसको परमिशन ग्रांट। तो यहाँ पर ये रीड नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, यानी ये एप्लीकेशन आपके नोटिफिकेशन को पढ़ सकता है, तभी ये रिप्लाई देगा और आपके नोटिफिकेशन से आंसर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर ये दिखाएगा कि ये आपकी प्राइवेसी पर ख़तरनाक हो सकता है। तो आप एक बार समझ लो इस एप्लीकेशन को कि कैसे आपकी रिप्लाई पर किसी को ख़तरा तो नहीं है, तो आइए आप समझ लो एक बार, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके जितने भी नोटिफिकेशन है, WhatsApp मैसेज है, उसको पढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ परमिशन इसको ग्रांट और बैक कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें इसको फिर से नेक्स्ट करना होगा, जैसे कह रहा है कि परमिशन ग्रांटेड थैंक्स, फिर इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी आपका कोई मैसेज आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो ये एप्लीकेशन उसको हटा देगा। तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन तब तक नहीं दिखेगा जब ये एप्लीकेशन आपकी इनेबल होगी। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा WhatsApp रिप्लाई का यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर ये ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनेबल है और यहाँ पर देखिए आपको जो पर्टिकुलर, यानी आपको जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देना है जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पर रिप्लाई टेक्स्ट सेट कर सकते हो पहले में। तो मैं यहाँ टैप करके अपना जो मैसेज है और रिप्लाई करने के लिए जो मेरा ऑटोमेटिक मैसेज है, उसको यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं डाल सकता हूँ, भाई अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद WhatsApp करना है, या फिर मैं करूँगा तुम्हें। तो इस तरह से आप उसको ये मैसेज भेज सकते हैं ऑटोमेटिकली। फिर आपको यहाँ नीचे मिलेगा ऑटो रिप्लाई थ्रेशोल्ड टाइम फॉर कॉन्टैक्ट्स, यानी जब आपका जो मैसेज आ जाएगा, जब यानी मान लीजिए आपका मैसेज आ गया, तो उसके कितने सेकेंड बाद आपका ऑटोमेटिक मैसेज मेरे फ़ोन से जनरेट हो जाएगा और उसके फ़ोन पे सेंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लगा है 10 सेकेंड, यानी अगर 10 सेकेंड लगेगा तो आदमी ये सोचेगा कि आपने तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको कम कर दूँगा, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो यहाँ 15 सेकेंड मैक्सिमम और 3 सेकेंड आपको मिनिमम मिलता है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो कहता है इनेबल ऑटो रिप्लाई फॉर ग्रुप्स, यानी आप ग्रुप्स में ऑटो रिप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, यानी जो मैसेज आते हैं ग्रुप पर उस पर आप रिप्लाई देना चाहते हैं या नहीं, और यहाँ पर आप उसकी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैं तो पर्सनली कहूँगा मैं तो उसको हटा दे रहा, मैं ग्रुप्स पर ऑटो रिप्लाई नहीं देना चाहता, तो यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा डिसेबल। और फिर उसके बाद आप यहाँ ऊपर से जो आपको स्विच मिलता है, उससे आप WhatsApp रिप्लाई को, यानी ऑटोमेटिक रिप्लाई को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये अगर राइट साइड की तरफ होगी तो इसका मतलब है इनेबल है। तो यहाँ मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि रिप्लाइंग मैसेजेस जस्ट एज अ रिमाइंडर का एक नोटिफिकेशन आएगा। इसका मतलब है कि आपका WhatsApp रिप्लाई एप्लीकेशन एक्टिव है और ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे सकता है WhatsApp पर आए हुए मैसेजेस का। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ, मैं अपने दूसरे WhatsApp पर, यानी जो एक ही सेम डिवाइस पर दूसरे WhatsApp पर से मैसेज करता हूँ अपने दूसरे WhatsApp पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने हाय लिखा और दूसरा WhatsApp, यहाँ पर देखिए
दूसरे व्हाट्सएप पर यहाँ से मैसेज आया कि भाई अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप करना। तो इस तरह से आप सबको मैसेज भेज सकते हैं। बट इफ़ इन केस बाय चांस अगर ये एप्लीकेशन आपके रिप्लाई ऑटो रिप्लाई नहीं देती है, तो आप क्या करो, आप एक बार मेक श्योर कर लो कि जो आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो आपके टास्क मैनेजर में आपने क्लोज नहीं कर दी, यानी वो एप्लीकेशन आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन किल नहीं करती है। अगर ऐसा तो वैसे नहीं होता, लेकिन अगर आपकी रैम कम है, मान लीजिए 1 GB रैम है या फिर उससे कम रैम है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपकी ये एप्लीकेशन काम ना करे, क्योंकि आपके ज़्यादा बैकग्राउंड प्रोसेसेस नहीं चल सकते और इससे आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन बैकग्राउंड प्रोसेस में किल हो सकती है, तो इसलिए वो ऑटो रिप्लाई ना दे। लेकिन आप उसको एक बार ओपन कर लोगे और बाकी सारे एप्लीकेशन बंद कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, 2 GB रैम वाला फ़ोन है, 1.5 GB रैम वाला, 3 GB रैम वाला, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की और भी ऑसम कंटेंट देखते रहे और सीखते रहे। तो मैं अदनान खान ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।